नमस्कार, मैं विदेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो अभी मौजूद हुए हैं आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबर के साथ। तो हिमाचल प्रदेश के लाखों कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी खबर आपके समक्ष लाए हैं। तो ये खबर हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के लिए राहत भरी है। तो क्या ये तमाम अपडेट रहेगी आपके समक्ष साझा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए जानते हैं क्या ये कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी खबर है। तो हिमाचल सरकार बजट में कर सकती है कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की घोषणा। हिमाचल प्रदेश में हर वर्ग का कर्मचारी आंदोलनरत है, मांगे मनवाने के लिए हर स्तर पर धरने प्रदर्शन विरोध कर रहे हैं। वहीं चुनावी वर्ष में सरकार कर्मचारियों की नाराजगी दूर करने के लिए तुरुप का कार्ड खेल सकती है और अंतिम बजट में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का ऐलान कर सकती है। बजट तैयार कर रहे वित्त विभाग के अधिकारियों ने इस संबंध में चर्चा की है। 4 मार्च को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से पेश किए जाने वाले अंतिम बजट में सरकार पेंशन बहाली का बड़ा निर्णय ले सकती है। यदि ऐसा होता है तो वर्ष 2003 से लेकर सरकारी नौकरियों में आए 1.5 लाख कर्मचारियों को पेंशन सुविधा का लाभ मिलेगा। सेवानिवृत्त होने पर प्रत्येक कर्मचारी को पेंशन का भुगतान करने के लिए गणना होगी। फिलहाल सरकार पर पेंशन घोषित करने से किसी प्रकार का कोई आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में अभी न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी एसोसिएशन के बैनर तले हजारों कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों ने 3 मार्च को शिमला विधानसभा का घेराव की रणनीति बनाई है। इसके लिए मंडी से पद यात्रा शुरू की गई है जो शिमला की ओर रवाना हो रही है। यदि सरकार ने OPS यानी ओल्ड पेंशन स्कीम की घोषणा नहीं की तो 3 मार्च को शिमला में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं वर्तमान में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान करने के लिए वार्षिक 7,500 करोड़ रुपये खर्च होते हैं। यदि सरकार ने पुरानी पेंशन बहाल की तो 2030 में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन चुकाने की चिंता करनी पड़ेगी। आने वाले वर्षों में पेंशन पर होने वाले खर्च 25,000 करोड़ रुपये तक पहुँच सकता है। तो यही थी बड़ी खबर कि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों ने OPS को बहाल करवाने को लेकर शिमला विधानसभा को घेराव करने की रणनीति 3 मार्च को बनाई है। वहीं 4 मार्च को जयराम सरकार के द्वारा अंतिम बजट पेश किया जाएगा। तो इस बजट में इन कर्मचारियों को उम्मीद है कि पुरानी पेंशन को बहाल करने को लेकर सरकार बड़ा फैसला लेगी। तो यही थी बड़ी अपडेट। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।